Hello students of class 1, today we will finish lesson 1, आज हम lesson 1 को finish कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना। अब जैसे कि दो तरीके की मशीनें होती हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रिक मशीन। इलेक्ट्रिक मशीन वो मशीनें होती हैं जो बिजली से डायरेक्ट चलती हैं, ठीक है ना, बिजली पावर से। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि बिजली से डायरेक्ट ना चलकर वो एक मीडियम के थ्रू, बैटरी के थ्रू, ठीक है ना, वो डिवाइस चले और कुछ डाटा अपने अंदर सेव करने की जिसमें कैपेसिटी हो, जो कोई डाटा अपने अंदर कैपेसिटी स्टोर करके अपने अंदर रख सकता हो, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। अब जैसे कि आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है ना, टीवी, बाईसाइकिल, कार, ठीक है, ये सब मैन मेड है, इस सबको आदमियों ने बनाया है। और सूरज, चिड़िया, ठीक है ना, ट्रीज, पेड़, ये सब जो है किसने बनाया है, ये सब गॉड ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया है, ठीक है। उसी तरह से जो चीज़ें आदमी ने बनाई है, ठीक है ना, वो चीज़ें जो है मैन मेड कहलाती हैं। जिन चीज़ों को मैन ने बनाया है वो चीज़ों को हम मैन मेड मशीनें कहते हैं, और जिन चीज़ों को गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, उनको हम गॉड मेड यानी नेचुरल थिंग्स कहते हैं, ठीक है, उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जो भगवान ने बनाया उसको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अब देखिए कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर के अंदर क्वालिटी क्या क्या है। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत तेज़ काम करता है, दौड़ने का मतलब बहुत तेज़ काम करता है। इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक, ये कभी गलती नहीं करता है, एक ही समय बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद कर सकता है, ये काम को ईजी बना सकता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लेसन 1 को यहीं पे फिनिश करते हैं। जो 3 दिन से हम लोग लेसन 1 को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, आज लेसन 1 कम्प्लीट हो गया। मैं आपको इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जो है आपको सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। होमवर्क यही है कि आप लोग मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स जो मैन ने बनाया है उसकी 10 चीज़ों, ऐसी 10 चीज़ें जो मैन ने बनाया उसका लिस्ट बनाइए, और ऐसी 10 चीज़ें जो नेचर ने बनाया है उसको एक तरफ नेचुरल थिंक करके वो 10 चीज़ें लिखिए। यही आज का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। और आपका आज लेसन 1 कंप्लीट हो गया, कल से हम अगली क्लास से हम लेसन 2 हम फिनिश करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।